1964 में रॉबर्ट लेसरिक नाम के एक व्यक्ति अपने परिवार को ऑस्ट्रेलिया के हुक आइलैंड पे एक बोटिंग ट्रिप पर लेके गए। 12 दिसंबर को जब वो स्टोन हेवन बे से गुजर रहे थे तो उनकी पत्नी ने बोट पर बैठे हुए लोगों को अचानक चिल्लाते हुए पानी में एक विशाल सांप को देखने की बात कही। उनकी पत्नी समेत 13 लोगों के सामने एक विशाल काले रंग का सांप जैसा जीव 6 फीट जितने पानी की सतह पर बिल्कुल स्थिर खड़ा था। रॉबर्ट ने तुरंत इस रहस्यमय जीव की तस्वीर ले ली। पहले तो उन्हें लगा कि ये कोई एनाकोंडा या पायथन या कोई प्लास्टिक बैग हो सकता है। उन लोगों ने इस जीव की करीब 80 फीट लंबे होने की बात कही थी। सबसे अजीब बात तो ये थी कि ये जीव बिल्कुल भी हिल नहीं रहा था। उन लोगों को उसकी 2 आंखें भी दिखी थी और उसकी पीठ पर बहुत बड़ा घाव भी था। बोट पर बैठे लोगों ने इसे पास से देखने के लिए पानी में छलांग भी लगा दी, लेकिन उनके पास पहुँचने से पहले ये जीव पानी की गहराई में चला गया। ये तस्वीर उस समय इतनी मशहूर हुई थी कि इसका नाम हुक आइलैंड मॉन्स्टर रख दिया गया था। लेकिन ये जीव क्या था, इसकी पहचान कभी नहीं हो पाई। आपको क्या लगता है, ये कोई सांप था या कोई समुद्री जीव या सिर्फ लोगों द्वारा फैलाई गई एक अफवाह?